Hey, how's it going everyone? My name is Mardip and welcome back everyone to my second channel. So guys, आज दोबारा से मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है not your type की वीडियोस देखने का. मुझे इन भाई साहब की वीडियोस देखना इतना ज्यादा पसंद है कि कई बार मेरे कार्टून के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो इन्हीं के कैरेक्टर्स की तरह दिखते हैं. सोचो तुम लोग मेरे सपने में भी यही बंदा आ रहा है यार. सो या गाइस, आज बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं. इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक एंड सीधा ही स्टार्ट करते हैं. एंड आई थिंक पहली वीडियो हमारी गाइस विंटर हॉलीडेज के ऊपर है. आई एम सो एक्साइटेड. विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं. तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ, कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है. बात तो सही है भाई, हमारे ग्रुप में भी था, पर मैं वो बिल्कुल भी नहीं था. मैं क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को, मैं बैटिंग में बुमराह था और बॉलिंग में विराट कोहली था. तुम लोग समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं. हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी ही उम्मीद और प्यार से क्रिकेट की किट और बैट ला के दिया था. उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा. वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में. बेटा, अरे गया पापा, आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है. बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा. तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा सारी उम्र. मैं जोकर पापा कच्चे में क्यों घूम रहा है भाई, कच्चा क्यों दिखा रहा है पिताजी अपना. पापा बात तो सुनो, पापा ऊपर पंखा है यार. पापा नहीं. ओ, पापा को बहुत गुस्सा आ गया. तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा. बेटा मैं जंदा हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा था. तो हमारे विराट कोहली पर है भाई, बात एक है, जो ये भाई साहब है ना, नॉट अ टाइप के जो कैरेक्टर्स है ना, ये जो कैरेक्टर है, जो एनिमेशन वाले कैरेक्टर्स, ये इतने ज़रा प्यारे हैं ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को. सो गाइस, क्रिएटिविटी और क्रिंज के बीच में बहुत ही पतली सी लाइन होती है, ठीक है ना. और ये जो नॉट अ टाइप है भाई, इसने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के खुद को क्रिएटिविटी वाली साइड पे रखा हुआ है. थोड़ा भी इधर आता तो क्रिंज बन जाती है वाली वीडियो, बट बहुत ही ज्यादा फन वीडियो होती है. प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे. वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था. तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे. भाई ये बंदा अभी तक यहाँ पे क्रिकेट के उसमें घूम रहा है यार, माहौल रहता होगा. नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड भाई. यार एकदम सही बात है यार, जहाँ मैं शिमला में रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से एक ग्राउंड मिला भाई यूनिवर्सिटी का. देखिए इतना बड़ा सा ग्राउंड है, कोई तुम दिन में चले जाओ, शाम को चले जाओ, रात को चलो, कोई नहीं खेलता है वहाँ पे. वहाँ सिर्फ और सिर्फ बोतलें पड़ी होती है, साइड में एक ऐसा रेन शेल्टर टाइप है, दारू की बोतलें सुट्टे गिरे हुए वहाँ पे. बस लोग नशे करने जाते हैं. कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर. नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर. दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में. फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया. तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं. बल्कि हमारे उसमें लाइक ग्राउंड के साइड में होता है, सेंटर में कोई नहीं करता, बट खेलता भी कोई नहीं है यार. तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में. हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं. 12,000, 12,001, 12,002. yeah! बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है. बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खा. भाई ये कैरेक्टर कितना प्यारा बनाया हुआ, देखो ना, इतना जैक्ड और इतना जिंड दिखाया हुआ, पर एट द सेम टाइम बहुत क्यूट दिखाया हुआ. ये अंकल बस आप पापे को बुला दो. अच्छा रुको. बहुत तगड़ी में बिक्री भाई बंदे की, बहुत तगड़ी आवाज. पापा जी नीचे आ गया, उतर जाओ. अरे पुत्र तू भी ना. ओ माय गॉड. अरे ओ भैया स्क्वाट्स. 12,001, 12,002, 12,003. पर जिम वाले की ऐसे खास बात होती है, जो भी चीज मिल जाए ना, स्क्वाट्स वगैरह तो ऐसे ही मार लेता है चुटकी बजा के, और घर में भी स्टार्ट हो जाता है. अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूं क्या गाड़ी से. सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं. हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है. यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना, हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे. अरे यार सही बात है, तुम लोग यकीन करना, तुम लोग शायद अगर दिल्ली वगैरह से हो, नॉर्थ साइड से, तो फिर ये चीज तब भी पॉसिबल है. अगर तुम लोग साउथ से हो, मुंबई या उससे नीचे, या फिर साउथ तुम लोग समझ गए ना, इंडिया का साउथ, तो भाई ये चीज तुम्हारे साथ शायद से तुम लोग ना कर पाओ. बट मैं तो शिमला से रहता हूँ भाई, शिमला में, ठीक है ना. अभी भी अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो सेम ऐसा कोहरा निकाल सकता हूँ, -1 डिग्री सेल्सियस अभी भी तापमान है आपका. साला फरवरी खत्म होने वाला, ठंड नहीं जा रही यहाँ पे यार. एंड बाय द वे, तुम लोग सोचो कि मैं स्वेटर में क्यों घूम रहा हूँ, है ना, कितनी ज्यादा ठंड है. मैंने ब्लोअर ऑन किया मेरे पैर के पास, तो यहाँ पर पूरा कमरा गर्म हो रखा है. अदरवाइज अभी तक के लिए तो भाई जाम हो जाता मैं पूरा का पूरा. वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? हैं, ओए सिमरन, थूक देगा. कोई नहीं, ये ले. वाओ पापा, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने, मैं खुद ही कर दूंगा तेरा लंच. ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछला था. हमारी न्यूज़
फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू, जिस भी खंबे पे मुंह दूं गांव का कोई भी कुत्ता सुन के बता देगा कि शेरू ने मुंहता है, और क्या ही मुंहता है। तो मैं कहा था शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है, छह आया। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलते हैं। बॉस हमारे इलाके में कोई लोंडे घुसा है। वेट, ओ मेरे दिमाग में मेरा थोड़ा दिमाग यहाँ पे चल रहा है। ये बोल रहे कि हम लोग एक गली से जाते रहे जहाँ पर एक गैंग थी, बेसिकली कुत्तों की बात कर रहे हैं, और जब सुबह सुबह छह बजे तुम लोग फुटबॉल ग्राउंड जा रहे, कुत्ते तो पीछे पड़ते ही थे भाई। ये हम लोग कभी सुबह छह बजे तो नहीं गए, बट कई बार हमारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वगैरह होते रहे तो हम लोग पांच बजे, मतलब मैं तो नहीं खेलता रहा, मैं एक्स्ट्रास में होता रहा, तो मैं सुबह सुबह पांच बजे चला जाता रहा कभी कभी, ठीक है ना भाई। तो कुत्ते हमेशा पांच बजे पीछे पड़ते ही पड़ते थे। ये इलाका शेरू भाई का है। सारे कुत्ते आ गए। मेरा नाम है शेरू, मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा वापस। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। पुंड में गया शेरू। ओह माय गॉड, बेइज्जती हो गई। शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला तो सरदार तू कौन थी? भाग मिन्नू भाग, तेरी चेन में फंसा। निकल गया, निकल गया शेरू भाई, फंस गया। ओए ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। ब्रो दिस गाय इज क्रेजी यार, नॉट इवन जोकिंग डूड, बहुत बेस्ट वीडियो ये। कुत्ते की बेइज्जती हो गई। मिन्नू तेज चला भाई, पापे में थक गया हूँ। भाई ये पापे का कैरेक्टर मेरे को बहुत क्यूट लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं पकड़ लेंगे। और मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़े जाओ तो वो भी सीधे खड़े जाते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है, सीधे खड़े जाते हैं। बात तो सही है। पापे मुझे उनकी आवाज आ रही है। चुप रह, चुप रह, ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापे लगता है वो पास आ रहे हैं। पापे लगता है वो आ गए। पापे चाट रहा है वो मुझे। ऐसे ही कुत्ते साले ऐसे ही करते हैं सच में यार। मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। पापे तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। हम लोग जैसे तैसे ग्राउंड पहुंचते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए दो मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। अब हम उसके लिए दो मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान जी, इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज। आमेन। तो बचपन से वाओ 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 वाओ, तालियां गाइस, घर बैठे बैठे तालियां बजनी चाहिए भाई। ये बहुत बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत वेल स्क्रिप्टेड और बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो थी यार। और ये लास्ट वाला तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब हम उसके लिए दो मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। और भगवान से क्या प्रार्थना? भगवान जी इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज। यार इतना बढ़िया, कैसे भाई? Nice one dude, nice one, nice one. तो बचपन से मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था। मुझे 9th क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आया? नहीं मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा दो मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। अबे साले फोन लेके कैसे आया तू? लेके स्कूल के अंदर मुझे ये बता दे पहले। और भाई साहब गाइस देखो, तुम लोग आजकल के बच्चे हो ठीक है ना, अगर तुम में से लाइक कोई 12 13 साल का है या 15 16 साल का है तो तुम लोग शायद इस चीज को नहीं एक्सपीरियंस किया होगा तुमने। ये जो फोन है ना भाई, ये हमारे टाइम का स्मार्टफोन था। जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे इस फोन का इतना क्रेज था। अभी देखो तुम लोग क्या करते हैं। दो मिनट रुको अभी बुलाता हूं। भाई ये जो टोन है और ये जो फील है ना फोन को निकालने की, ये हम लोग ही बचपन से करते आ रहे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यही वाला फोन होता रहा उस टाइम पे। और आज के टाइम पे देखो भाई, मेरे छोटे छोटे कजन्स लाइक इतने पिद्दे पिद्दे से है भाई, तुम लोग मान लो 7-8 साल के स्मार्टफोन चला रहे होते हैं भाई, हमको टिप्स दे रहे होते भैया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। भाई साहब क्या ही बोले यार। कर दिया मैंने मैसेज, आ रहा है। तुम गया गया है टीचर भाग गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। Bro, that was unexpected. I thought कि बच्चे की ऐसी की तैसी बचने वाली है, टीचर ही भाग गया। अरे लेकिन मैंने तो मजाक किया था, ये तो सच में ही भाग गए। सर भी फूट गया होगा खिड़की से। मैथ्स पर मुझे बचपन से ही भरोसा नहीं था। एक बार 5th क्लास में मैंने 9 का टेबल रटा था 9 घंटे लगा के। अगले दिन स्कूल गया तो एक एबला बच्चा आके मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार, तू ऐसे लिख सकता है 9 8 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मां कसम बता रहा हूं उस टाइम वो बच्चा
बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मूतता हुआ नजर आ रहा था। पर एक बात है गाइस, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था ना स्कूल टाइम पे वो मैथमेटिक्स था, हमेशा से लेकर जब तक मैंने मैं कॉलेज में भी था तो मेरे पास 2-2 मैथ्स के सब्जेक्ट थे। सोचो तुम लोग मैथ्स को छोड़ देते हैं स्कूल्स के बाद, मैंने मैथ्स के 2-2 सब्जेक्ट लिए हुए थे। इनफैक्ट 3 थे मेरे मैथ्स के सब्जेक्ट, 2 मेजर और 1 माइनर मैथ्स। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है, इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाखला का बूम बूम देख। वाह, इसका पिछवाड़ा देखो भाई, कितना डिटेल्ड में बनाया हुआ है। मैंने मैथ्स अकेले पढ़ना ही छोड़ दिया, ग्रुप स्टडीज ही करता था फिर मैं। और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है। ये बच्चे ना अलग ही होते हैं, इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है, मोर की कॉपी में इनका पंख होता है। इन्हें पता है कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये लोग अपने सबसे क्लोज दोस्त को भी पूरा नाम लेके बुलाते हैं, युवराज राजेश पाटीदार इधर आओ। ओ माई गॉड, दैट इज सो ट्रू यार, मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ गाइस, ग्रुप मैंने जिंदगी में आज तक कभी ग्रुप स्टडीज नहीं करी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम 4 दोस्त एक साथ और साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि होता ही नहीं था। जितने भी लोग एक्चुअल में ग्रुप स्टडीज करते थे वो ऐसे ही थे। मेरा आई थिंक एक दोस्त था शिवम पाटिल नाम था उसका, ऐसे कुछ नाम था। तो भाई जो आपस में लाइक 4 बंदे बैठ के काम कर रहे हैं ना साथ में, लाइक ऐसे ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के कहीं भी, पूरे के पूरे प्रॉपर पूरे नाम से एक दूसरे को बुलाते थे भाई। ऐसा नहीं कि लाइक शॉर्ट फॉर्म से बुलाते थे, क्योंकि आपस में इतने अच्छे दोस्त वो होते नहीं है। कहने की बात ये है कि भाई साहब ग्रुप स्टडीज करना इम्पॉसिबल है, इससे बढ़िया है अकेले बैठो, चुपचाप से बैठो, अकेले पढ़ाई करो और फिर भाई पास हो जाओ। हाँ भाई, मेरा सही काम है ना कि बाप को भी बुला के लाना पड़ेगा। ये वो बच्चे होते हैं जो घर में भी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे 1 hour 45 minutes okay. पढ़ने के बाद 15 minutes का ब्रेक लेते हैं। okay. नहीं, हमारे जैसे नहीं है कि 7 घंटे तक एक ही कॉपी के पन्ने को घूरे जा रहे हैं, उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है। उल्टा 7 घंटे लगातार घूरने से पेपर के आर पार अलग दिखना चालू हो जाता है। आर पार दिख रहा है, सुपर पावर्स, स्पाइडरमैन। ए अंधे, पढ़ ले चुपचाप। ठीक है मम्मी। तो ये बातें मेरे मैथ्स एग्जाम के एक दिन पहले की। ये हैप्पी शिनचैन म्यूजिक क्यों बज रहा है भाई यहाँ पे, इतनी अच्छी सुबह नहीं होती यहाँ पे। ये एडिटर किधर है, केरे सिमड़े, तेरे को बोला ना उल्टे सीधे म्यूजिक मत लगाया कर वीडियो में, समझ नहीं आती। प्लीज कोई पुलिस को भेजो, ये मुझे मोमबत्ती के चटके लगाता है। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो राजू, हेलो हेलो, आवाज आ रही है राजू? हाँ वो राजू बेटे, एक पराठा खाएगा कि 2? मम्मी 2 खाऊंगा। हेलो राजू, वो बोल बेटे टमाटर की सब्जी बना दूं। हाँ मम्मी। हेलो राजू, मैं बोल रहा हूँ बेटे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। राजू बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए। फिर पक्के बना दो। 2-2 सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। राजू ने मुझे कॉल पर बताया कि उसके मम्मी पापा रात में किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं। उनको पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है। बंटी उधर विमल के झोले बांध रहा होता है। भाई देख, ये वाले झोले के अंदर अपना किराना है और ये वाले झोले के अंदर नाने मंजन का सामान है। इस बैग के अंदर अपने पैसे है और तूने मच्छर अगरबत्ती और भाले बंदूक रख लिया ना। भाले बंदूक क्यों बे? अरे पागल, उधर शिकारी या भालुओं ने हमला किया तो। अरे ओ बंटी पगले, ग्रुप स्टडीज करने जा रहे हैं अमेज़न के जंगलों में नहीं, और बस कर मेरे बाप कितना सामान पैक करेगा, एक रात के लिए जा रहे हैं। हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के। गाइस दैट इज आल्सो सो ट्रू यार, मैंने कभी लाइफ पे गाइस ऐसे ग्रुप स्टडीज तो कभी नहीं करी, बट अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट्स वगैरह में हम लोग बहुत बार गए हैं। और एटलीस्ट एक दोस्त मेरा ऐसा जरूर होता रहा जो भाई नाइट आउट पे आ रहा है बट अपने साथ 4-5 टाइप के कपड़े लेकर आ रहा है। पता नहीं क्यों भाई, एक नाइट के लिए जा रहे हो तो भाई इनफैक्ट एक कपड़ा लाने की जरूरत भी नहीं, अपने दोस्त के पास पजामे पड़े होते वही पहन लेंगे, जींस उतार के क्या ही फर्क पड़ता है। खैर ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा रिलेटेबल थी अपने स्कूल टाइम को लेकर, अपने स्कूल टाइम में लाइक विंटर हॉलीडेज को लेकर। तुम लोगों को तो शायद से गाइस समर हॉलीडेज मिलते हैं अगर तुम लोग साउथ में रहते हो, बट हम लोग जैसे नॉर्थ में रहते हैं, मैं शिमला में रहता हूं, तो यहां पे हम लोगों को हमेशा आई थिंक दिसंबर स्टार्ट होने पे यानी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में और मैक्सिमम सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में विंटर हॉलीडेज स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारी फरवरी एंड तक चलती है। 2.5 महीने की छुट्टी होती थी यहाँ पे हमारी विंटर हॉलीडेज की, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता था हमारी लाइफ का, क्योंकि हम लोग गाँव जाते थे, बर्फ में खेल रहे होते थे और भाई इतने मजे करते थे, क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को यार। मुझे बहुत ही ज्यादा याद आते हैं मेरे बचपन के दिन जब मैं स्कूल में हुआ करता था। एंड जब हम लोग स्कूल में थे ना तो उस टाइम पे लगता था कि भाई कब ये स्कूल खत्म होगा, कब यहाँ से छुट्टी मिलेगी और कब जाके हम लोग लाइक कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद की लाइफ
देख के होगा कि मजा आएगा बहुत ज्यादा उस टाइम पे जब बड़े हो जाएंगे। और अब हम लोगों को चलता पता कि भाई स्कूल के बाद जो कॉलेज एंड कॉलेज के बाद खास करके है ना, जब जॉब्स वगैरह करते हैं तो भाई जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाती है, लग जाती है भाई बुरे तरीके से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो जाती है ना। बट उसके अलावा अगर देखोगे स्कूल टाइम में तो वो असली फन होता था। अगर तुम लोग अभी भी स्कूल में हो ना, फन करो, पढ़ाई भी करो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट फन करो, बिकॉज ये टाइम तुम लोग जरूर मिस करने वाले फ्यूचर में। सो या गाइस विद दिस सेट, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। 15 लाख थैंक यू सो मच एवरीवन, 50 लाख सब्सक्राइबर्स टच होने वाले हमारे, तो कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसी धासु रक्ष वीडियो में। नमस्ते, ऑसम मैन, बाय।